हेलो गाइस, भाई ने मैं शादाब में हूँ अभी मैक गोल्ड फार्म पे मकसूद भाई के साथ। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शादाब भाई, खैरियत है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ आपकी भाई। मकसूद भाई, क्या तैयार किया इस साल अनोखा अपने फार्म के लिए? भाई साल का अपना सबसे बड़ा बकरा है भाई खलीफा, वो है इंशाल्लाह, वो दिखा रहा है आपको। ये खलीफा तो लास्ट ईयर भी था अपने पास। हाँ, लास्ट ईयर भी था भाई, टाइम सेल नहीं हुआ था उस टाइम, काशिफ भाई ये लोगों का था, काशिफ भाई शाह भाई का। और शायद इतना तैयार भी नहीं था जितना इस साल शूट करा था, उस टाइम हुआ नहीं था इतना वो। कितना है अभी माशाल्लाह वजन बकरे का? भाई अभी अपन ने इसको 162 तोला था बकरे को भाई। ओके, तकरीबन 20-25 दिन पहले। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बकरा देख लेते हैं। फरहान भाई, बकरा लेके जाओ आप लाइट में। लास्ट ईयर जैसा बकरा देखा था उससे बहुत ज्यादा अभी लटक गया है भाई बकरा नीचे से। माशाल्लाह देखो ना आप भाई, सामने ही है आपके, अभी दिख रहा है माशाल्लाह, समझ में आ रहा है। ठीक है, आप 160 किलो के आसपास इसका वजन बता रहे हो, और हाइट कितनी है अभी बकरे की? 40 इंच हाइट है। अच्छा, देखने में लग नहीं रहा बिल्कुल। आप तो बोलो इंची टेप अभी लगा दें आपको, वो तो अच्छा। पेटी चौड़ी है, इसकी वजह से शादा भाई वो दिख नहीं रहा है, आप तो इंची टेप लगवा लो अगर बोलो तो लगा देते हैं अपन। ठीक है मकसूद भाई, दूसरा साल है इस बकरे को, अभी क्या लगता है एक साल और पलेगा बकरा? भाई पलने को तो पल जाएगा, लेकिन ठीक है, लेकिन कुर्बानी कर ले तो ज्यादा बेटर है, तो बढ़िया है जी, क्योंकि जितनी गुंजाइश थी वो पूरी हो चुकी बकरे में तैयारी की। जी जी जी, अभी कितना पाल लो, 200 किलो तो जाएगा नहीं बकरा? 200 किलो तो नहीं जाएगा। ठीक है फरहान भाई, इसे चलाकर बताओ बकरे को। भाई इतना वेट होने के बाद, तैयारी के बाद भी बकरा माशाल्लाह चल रहा है, फिर रहा है आराम से। छोड़ता है भाई वो तो, अरे कान छोड़ के चलाओ ना, कान छोड़ दो, अब खुद आएगा, छोड़ो आएगा तो आओगे तुम। माशाल्लाह, उधर लेके जाओ ये इधर ही घूम जाओ। मकसूद भाई, बकरा अभी फोर सेल के लिए है? हां भाई, फोर सेल के लिए है अभी भाई। अभी किन, किसका है अभी ये? नहीं अपना ही है अभी तो भाई, अपना है, और ये अपने अमीन भाई हैं पूना के। अच्छा, इंशाल्लाह ये जी जी पूना ले जा रहा है, इंशाल्लाह सेल करेंगे इसको भाई। तो अभी पूना ले जाके सेल करोगे आप या यहीं करोगे सेल? नहीं इंशाल्लाह, कैसा है शादाब भाई, पूना में गया तो बेहतर है, फिलहाल तो पूना ले जाके सेल करने का प्लान किए हैं, तो इंशाल्लाह आज तो रवानगी है होंगी बकरी की, तो आज निकाल दोगे। अगर कोई पूना का आपसे कांटेक्ट करे तो आप वहीं के वहीं पूना में भी दे सकते हो बकरा, लाइव देखने के लिए भी मिल जाएगा बकरा जी, तो यहाँ पे इतने आने की दिक्कत नहीं होगी, वहीं पे दिखा देंगे। कितने टाइम पहले लिया था आपने ये बकरा? ये बकरा तो काफी दिन पहले लिया है। तो मकसूद भाई के रिजल्ट से मजा आया आपको? जी जी, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है उनका, मतलब मानो कि कोई दाद नहीं दे सकता, क्योंकि अच्छे माशाल्लाह बड़े बड़े बकरे देखे उनके पास में हमने जी, हेवी वेट में जी, और इंशाल्लाह ये भी बकरा तो मतलब नायाब है वेट के हिसाब से, उसकी पेटी सीना बहुत बड़ा बकरा है अभी, मतलब हेवी बकरा है। तो आपको और क्या खास बातें दिखी बकरे में? भाई फोटा में कैसे जो सीना और जो पेट जिसको बोलते हैं पेटा, इतना बड़ा पेटा तो मैंने आज तक भोपाल में जितने बकरे देखा हूँ इतना बड़ा पेटा तो मैंने कोई बकरे का देखा नहीं। नहीं देख रहा हूँ भाई, इतना चौड़ा पेटा जी। बड़े से मुराद ये नहीं है कि फुला देते हैं, ये नीचे लटका हुआ है, ये खास बात है जी जी।
तो प्राइस वगैरह बताना चाहेंगे आप कितने नहीं, में नहीं, देना नहीं, है? प्राइस तो कुछ ऐसा डिस्क्लोज नहीं करेंगे इंशाल्लाह, जिसको लेना होगा उनसे हम पर्सनल में बात करेंगे। बस एक ही बकरा है आपके पास ये बड़े बकरों में? फिलहाल तो अभी सबसे बड़ा ह्यूज बकरे में तो हमारे पास यही एक है, बाकी 15 एक है बड़े। पूना में कहाँ से हैं आप जी? पूना में कहाँ से हैं आप? पूना में कोंडवा। कोंडवा, ओके जी, चलिए ठीक है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जावेद भाई आप बताएं बकरा आपको कैसा लगा? ये सब माशाल्लाह अच्छा लगा, इसलिए मैं बकरे के पास आया, नहीं तो शादाब भाई बकरे तो माशाल्लाह एक से एक बनते में जाता नहीं हूँ। दूसरी बात ये बकरा माशाल्लाह इतना हसीन और इतना प्यारा था कि इसको कंपटीशन में उतारते हैं, जो भी हमारे माशाल्लाह अख्तर भाई गोगी भाई इन लोगों ने बहुत खूबसूरत कंपटीशन कराया, जिसमें और भी बकरे थे किंग वगैरह, ये उनके साथ ही कंपटीशन के लायक बकरा है, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा था शादाब भाई कि कंपटीशन होना भी है या नहीं होना। हाँ वो थोड़ा सा कुछ ऐसा बीच में लग रहा था, मसले वगैरह जो भी थे, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रहा, बहुत मजा सक्सेस रहा। अल्लाह ताला हमारे भाइयों को और हिम्मत ताकत दे, और नेक्स्ट टाइम अल्लाह ताला ने चाहा तो आप हम सब मिलके इंशाल्लाह ताला इससे अच्छा टूर्नामेंट कराएंगे। बकरे में क्वालिटी है, खूबी है, एक्टिविटी है, नहीं तो आप देखते हैं तब वेट के ऊपर इतने बड़ा बकरा होने के बाद सोची रहे इंसान, जानवर उठता नहीं है, चलता नहीं है, कुछ अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा पाता, तो आप देख लो माशाल्लाह के वह खाली ये उसके खाने पीने की चीज देख के कितनी एक्टिविटी दिखा रहा। अभी आपके पास कितने बकरे हैं जावेद भाई? भाई मेरे पास शादाब भाई अभी 5 बकरे हैं माशाल्लाह, तो वो मकसूद भाई के फार्म पे ही है, लेकिन अपन क्या वीडियो दिखाएंगे, मकसूद भाई है वही सेल आउट करते हैं, सब इन्हीं के हाथ में है। तो मतलब बड़े खामोशी से शोक करा आपने इस साल ऐसा क्यों? भाई वो एक्चुअल में क्या है कि मैं इन सब चीजों से बहुत दूर हो गया हूँ शादाब भाई, आपकी दुआ से, नहीं तो अपन लोग सब बहुत पुराने हैं जी, और अब क्या है कि जितनी बातें करेंगे उतनी बातें होंगी, सही बात, क्योंकि चीटिंग बहुत होने लगी है, शोक अब ज्यादा खराब बहुत हो चुका है, इसलिए अपन इन चीजों से दूर हो गए। बाकी शौक तो अपन बचपन से करते आ रहे हैं शादाब भाई, और इंशाल्लाह ताला जब तक जिंदा है करेंगे। बाकी आपने जो नई चीज ला के माशाल्लाह अल्लाह ताला आपके चैनल को और सक्सेसफुल करे, जिससे और लोगों को शौक उठ गया जी, शौक बढ़ रहा है, बढ़ गया है शौक, और आपकी वजह से और मतलब जो नए लोग थे माशाल्लाह, जैसे हमारे भाई आएंगे पूना से, बहुत अच्छे अच्छे जानवर अभी इनके हैं, और ये भी माशाल्लाह इनका है, और अभी मकसूद भाई के इनके बहुत सारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद देखे लाइव, उसमें तो मेरे भी 4 जानवर इन्होंने माशाल्लाह लिए हैं। अभी क्या है जावेद भाई, लोगों को बकरा बेचने में बहुत आसानी हो गई अपने चैनल के माध्यम से, अल्लाह सब दिखवा रहा है। वही मैंने अभी आपसे कहा ना शादाब भाई कि आपके चैनल से माशाल्लाह जिन लोगों में इंटरेस्ट नहीं था उनको भी इंटरेस्ट बढ़ गया, जो नहीं देख पाते थे माशाल्लाह वो भी देख लेते हैं, और आप जो है सही चीज अपडेट करते हैं और पूरी डिटेल बता देते हैं, तो इंसान के माइंड से ये चीज हट जाती है कि झूठे के सच है, सही बात, तो इसलिए सौदों में भी आसानी हो जाती है, और माशाल्लाह जैसे चीज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं खड़ा है। और भी भोपाल में माशाल्लाह मेरे भाइयों के पास बकरे हैं, लेकिन किसी की बुराई भलाई नहीं कर रहा हूँ, आप इसकी एक्टिविटी देखिए बकरे जी, आप बहुत एक्टिव है बकरा माशाल्लाह 160 के ऊपर माशाल्लाह, इतनी एक्टिविटी इतने वेट के ऊपर, शायद अपन भी आपने देखा बहुत छोटे टाइम से शोक कर रहा है, कोटा तो अभी भी अपन लोगों के बीच में आया, सही बात है, लेकिन कोटाओं में देखा इतनी, देखो आप ये देखो आपके मतलब इतनी एक्टिविटी के चलता फिरता खुद चढ़ता खुद उतरता है, रनिंग देखो आप कितनी दूर से चल के आया और फिर इसको वहीं जाना, ठीक है, इतने बकरों में वरना मैंने देखा है हांफने की शिकायत आ जाती है भाई, बकरा हांफता है, आप देखिए इतनी देर से देख रहा हूँ आप भाई, मसला ही नहीं है उसको माशाल्लाह, ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छा बकरा है भाई। अब प्राइस वगैरह कौन बताएगा इसका? वो सब इंशाल्लाह पूना में लाइव देखते ही होगी भाई, चीज तो शायद भाई इनकी हो गई है, मैं भेज रहा हूं इंशाल्लाह, इनकी चीज है जो अल्लाह ताला इनको अच्छे से अच्छे पैसों में दे दे, इस बार लॉकडाउन की वजह से आ ही नहीं है ज्यादा, इंशाल्लाह पूना में ही देखेंगे जो होगा। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई।